हाय गाइस मैं वो प्रिंस एंड वेलकम बैक टू न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग ऑल राइट भैया काली परी सामने आप देख रहे हो 2023 ट्वेंटी थ्री मातृसुजू की ग्रैंड विटारा ब्लैक कलर भाई स्पेशली वीडियो भी ब्लैक कलर के लिए बना रहा हूँ बिकॉज डेट फिर इंड ऑलरेडी रिव्यू करा था लेकिन कोई बात नहीं एक बार और रिव्यू करेंगे लेकिन इस कलर के लिए जरूर रिव्यू करेंगे भाई मैं आया था एक्चुअली कुछ कुछ और गाड़ी शूट करने लेकिन भाई जब इसका ब्लैक कलर मैंने देखा ये फर्स्ट टाइम मैं अभी रियल लाइफ में इसका ब्लैक कलर देख रहा हूँ क्या स्टैंड दे रही है भाई गाड़ी मतलब ओवरऑल मैं आपको लुक बताऊ ना इसका मुझे काफ़ी सही लगी है देखो रियर से तो और स्पेशल और बहुत प्यारा लुक लगता है देखने में ब्लैक कलर में सही में मारुति ने इसको ला के बहुत सही काम करा बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत अफेक्ट पड़ जाएगा सेल्स में इसकी और जैसे कि आपको मालूम है टाटा भी अपनी गाड़ियाँ ला रहा था नेक्जॉन डार्क एडिशन हैरियर का डार्क एडिशन सफारी का डार्क एडिशन ऐसे करके बहुत से डार्क एडिशन हर कंपनी लाई है अपनी सारी गाड़ियों में सिर्फ अपने मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अपनी क्या बोलते हैं टाटा की नहीं बल्कि की ब्लैक क्रेटा का जो नाइट एडिशन है वो हो गया मारुति ने सोचा कि क्यों ना अब हम भी हमारी गाड़ी का एक ब्लैक जो है लाइनअप निकालते तो नेग्जाम में एंड अरीना सेम दोनों में जो है ब्लैक लाइनअप निकाल दिया तो ये है इसका ग्रैंड वटारा का ब्लैक कलर जेटा वेरियंट है मैनुअल वेरियंट है कहीं ना कहीं इससे कह सकते हो वन ऑफ द टॉप सेलिंग वेरियंट रहा है ग्रैंड वटारा के अंदर में जेटा मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक जिनकी नेसेसिटी होती है उस हिसाब से लेते हैं तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा ब्लैक जेटा मैनुअल वेरियंट के बारे में ठीक है प्राइसिंग की बात करी जाए तो तेरह लाख नब्बे हज़ार रुपये जो है एक शोरूम पड़ जाती है ठीक है ऑन रोड आते आते आप अपने जो भी नियरेस्ट शोरूम में जाके पता कर सकते हो अपनी जो रुकमन मोटर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप ऑन रोड प्राइस वगैरह गाड़ी की और भी कोई क्योरी है वेटिंग पीरियड से रिलेटेड व तो आप क्लियर कर सकते हो ठीक है सबसे पहले चाबी से बात करते हैं चाबी आप देखो कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती इसके चावी है इसके अंदर सेम वैसी ही चाबी है चाबी में ऐसे कोई चेंज नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पर ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है यहाँ पर डोर लॉक अनलॉक करने का जो बटन है वो देखने को मिल जाता है सेम बेसिक सी की देखने को मिलती है ऐसे जिसमें कोई चेंज नहीं है ठीक है अब यहाँ बात करी जाए तो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक जो है ग्रैंड वेटारा ब्लैक कलर में ऑफर करती ब्लैक कलर बार बार सुनोगे बिकॉज स्पेशल वीडियो उसके लिए बन रही भाई ठीक है यहाँ पर जो है टू इन वन जो है डी देखने को मिलती जो कि डी आर एंड इंडिकेटर्स जो है दोनों का वर्क करेगी यहाँ पर आपको एल ई डी प्रोजेक्टर एलम्स देखने को मिलते हैं फॉर हाई वी मैड लो वी एंड यहाँ पर आपको मैट ब्लैक की ट्रीटमेंट देखने को मिलती जो कि काफ़ी सही लगता है देखने में ग्रिल जो है आपको ऑल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलती है टॉप वेरियन अल्फा में जाओगे तो यहाँ थ्री सिक्सटी के पार्किंग कैमरा मिल जाता है जेटा में वो सब चीज़ें नहीं मिलती है ठीक है के का लोगो है क्रोम के यहाँ पर ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है अंदर रिलेटर की प्लेसमेंट है ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट का जो क्रिल है वो देखने को मिल जाती है हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पर दी हुई है ठीक है एंड कुछ फ्रंट की स्कफलेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का भैया तामझाम है साइड लुक से बात करी जाए गाड़ी की तो वही चार हज़ार तीन सौ पैंतालीस एम एम की जो है लंबाई देखने को मिल जाती है वन पॉइंट एट मीटर की चौड़ाई है एंड एक हज़ार छः सौ पैतालीस एम एम की हाइट देखने को मिल जाती है दो सौ दस एम एम का जो है ग्राउंड क्लेरेंस गाड़ी ऑफर करती है जो कि काफ़ी सही सार लेवल का मिल रहा है टायर्स की बात की जाए तो टायर प्रोफाइल आई थिंक सोलह इंच के ये जो है अलाविल से हाँ दो सौ पंद्रह नहीं सो सत्रह इंच के सॉरी दो सौ पंद्रह साठ आर सेवनटीन सत्रह इंच के जो है डायमंड कट अलाविल से देखने को मिलेंगे फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में भी चारों डिस्क ब्रेक जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे हैंड कुछ इस तरीके का साइड लुक है भाई गाड़ी का स्टैंड बहुत सही है भाई ब्लैक में भी क्या यार्ड पे खड़ी तो थोड़ी सी दूरी जो भी जमी जाती है देखो सारी गाड़ियों में तो ये जब और क्लीन हो जाएगी ना जो इसका इफेक्ट आएगा और प्लस इसके ऊपर अगर पी या सिरामिक हो जाएगी ना भाई नेक्स्ट लेवल लुक प्रोजेंस हो जाएगा गाड़ी का लेकिन वही है ब्लैक कलर है प्रॉपर मेंटेन करके रखोगे तो लुक बरकरार रहेगा ठीक है एंड या बाकी बात करें ओ आरमेंस की तो जिस तरीके ओर ओरमेंस तो मेरे को बस मारुति से शिकायत है कि इसको थोड़ा और अगर गाड़ी के साथ शार्प लाइन लुक देते ना थोड़ा सा और शार्प बनाते ना बहुत प्यारा लगता है यार देखने में आप खुद देखो कितना सही स्टैंड देता ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पर आई थिंक ये जो है ऑटो फोल्ड एंड फोल्ड के फीचर के साथ जो है जेटा में आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि काफी सही लगता है प्रीमियम वो गाड़ी की बढ़ा देता है अभी इसको ये जब आप स्टार्ट करोगे तो जो है वापस ओपन हो जाएंगे ठीक है तो ये हो गया अपना इधर का लुक यहाँ पर आपको क्रोम की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है यहाँ पर सैंडल सिल्वर फिनिश की फिनिश यहाँ पर है ऊपर शार्क फिनटीना है सन रुक इस वे में नदुल मिलती है आपको ठीक है एंड या इसके अंदर आपको जो है ऊपर शार्क फिनटीना देखने को मिल जाता है रियर के तामझाम की बात करें तो ये है भैया कुछ रियर लुक रियर ब्लैक कलर प्लस ये रियर टेल लाइट्स बहुत प्यारा लुक प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर आपको ऑल एल ई डी टे टेलर्म्स देखने को मिलेंगे ठीक है कंटोनेशन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक होता है बिकॉज यहाँ सूज का लोगो है ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पर है एंड पूरी जो है एल ई डी कंटोनेशन के साथ टेल लाइट्स देखने को मिलती ग्रैंड वटाइर की यहाँ पर बैजिंग है सूज का लोगो एंड सुजुकी का गल रियर वाइपर डिफॉगर प्लस तो स्पॉयलर फिनिश यहाँ देखने को मिल जाती है यहाँ पर रियर स्पॉयलर जो स्टॉप लैम्प है वो देखने को मिल जाता है ठीक है यहाँ पर इंडिकेटर्स हेलोजन मिलेंगे आपको ठीक है रिवर्स पार्किंग लाइट हेलोजन एंड है, रिफ्लेक्टिव प्लेस में यहाँ देखने को मिल जाएगी एंड हेयर जी स्मार्ट हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो यहाँ देखने को देख सकते हो आप बाकी रियर का जो बम्पर है वो भी सैंडल एंड फिनिश के साथ है दो यहाँ पर जो है अपने को रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दे देखने देख सकते हो दो नहीं सॉरी चार है भाई हड़े भर नहीं चार रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है अब आपको यहाँ पर रियर में देखने को मिल जाएंगे ठीक है रिवर्स पार्किंग कैमरा यहां पर प्लेसमेंट है बूट स्पेस की बात करें करेट मिनट आई थिंक ये मुझे हाँ, आगे से अनलॉक करना पड़ेगा और तो बूट स्पेस की बात करें तो यहां पर भी जो है आपको नीचे जो सेंसर देखने को मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर यहां पर भी दिया हुआ है ठीक है जैसे ही हम इसको अभी लॉक होगी जैसे एक बार वो प्लेक्स करूंगा ये बूट अनलॉक हो जाएगा इसका ठीक है तो बूट स्पेस की बात करें तो ये नॉन हाइब्रिड वेरिएंट है तो उसके अंदर आपको मिलेगा तीन सौ पिछहत्तर लीटर का बूट स्पेस अगर आप स्ट्रॉ हाइब्रिड लेते हो तो उसके अंदर दो सौ पचहत्तर के बच जाता है बिकॉज बैटरी आ जाती है उसके अंदर में ठीक है रियर स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है टूल किट्स वगैरह सब यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में आइडिया बूट स्पेस बोलूँगा काइंड ऑफ डिसेंट लेवल अच्छे खास लेवल की मिलती है यहाँ पर हेलोजन लाइट सेटअप है एक चार्जिंग सॉकेट भी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको एंड अच्छे खासे लेवल की मिल जाती है यहाँ एक हैंगर की भी जो है प्लेसमेंट है एंड ये इसका रियर जो अपना क्या बोलते हैं इसका नाम भूल गया यार में जो लगेज कैरियर है पार्सल लगेज कैरियर है वो देखने को मिल जाता है बाकी यहाँ से बंद कर सकते हो यहाँ पर जो है कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है ठीक है तो ये कुछ बूट का हिसाब था गाड़ी के रियर बूट का है ये सिस्टम था अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो हाइब्रिड में तो अपने को वही थ्री सिलेंडर पंद्रह सौ सीसी का स्ट्रॉग हाइब्रिड मिलेगा तो उसके अंदर पावर कहीं ना कहीं कम हो जाती है नॉर्मल लेते हो नॉन हाइब्रिड तो मारुति का बनाया हुआ पंद्रह सौ का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि अराउंड अपना एक सौ दो बी एच पी और एक सौ छत्तीस न्यूट्रन जो है न्यूटन मीटर जो है टॉक जनरेट करके देता है गाड़ी में इसका इंजन अगर मैं आपको बताऊँ हुड खोल के तो यहाँ पर तो जो इसका है इसका लीवर है इंजन बता ही देता हो यार आपको यस तो ये है इसका पंद्रह सौ तीस का चार सिलेंडर मारुति का बना हुआ पेट्रोल इंजन जो कि एक सौ दो बी एच पी और एक सौ छत्तीसगढ़ जो है टॉप जनर कर करके देगा माइलेज जो क्लेम करती है मारुति वो है सत्ताईस से अट्ठाईस ए आर आई जो माइलेज क्लेम करी है मारुति ठीक है तो अच्छे खासे मारुति है तो जो है अपने को क्या बोलते हैं माइलेज की तो कोई दिक्कत है नहीं ओबियसली बात है ठीक है तो ये अपना बूट का मामला हो गया अब चलते इसके रियर पैसेंजर साइड एरिया में वहाँ से बात करते हैं क्या क्या कुछ चीज़ें हैं ऑफ़र कर रही है अरे यार ये एक तो बार बार लॉक हो जाए हाँ डोर ट्रिम की बात करें तो कुछ इस तरीके का डो ट्रिम जो है गाड़ी ऑफर करेगी यहाँ पर आपको वही रेडिश एंड ब्राउनिश ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है ब्लैक और उसका ड्यूटोन इफेक्ट आएगा पूरे इंटीरियर में यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट है पाउंडोल्स है सिल्वर यहाँ पर जो है डोर हैंडल देखने को मिल जाता है सैन सिल्वर फिनिश यहाँ पर है स्पीकर की प्लेसमेंट है बॉटल्स यहाँ देखने को मिल जाता है भाई मेरे हिसाब से देखा जाए ना अगर आपको प्रीमियम ने चाहिए प्लस बजट नहीं है उतना टॉप लेने का भाई जेटा ले लो बहुत अच्छे खासा वैल्यू फॉर मनी जो है वेरियंट आपको प्रोवाइड कर रही है मारुति इंटीरियर से बात करी जाए तो कुछ इस तरीके का जो इंटीरियर है गाड़ी ऑफर करेगी ठीक है यहाँ पर आमरेस की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है यार एक तो ये है ना मारुती है यहाँ पे क्या मतलब ये क्या फंदा लगना यार इसको खोलना पड़ेगा आई थिंक ये यहाँ से खुलेगा खुल जा यस ये है भैया इसका आमरेस ठीक है अच्छे खासा साइज पे सेट है दो का प्रोडक्ट यहाँ दे देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर में ठीक है यहाँ पर बाकी सीट बैग्स के जो प्लेसमेंट है वो छे एयर बैग आप मारुती इसके अंदर ऑफर कर रही है है ना स्पेस के मामले में नो इशू काफी अच्छे खासे साइज की जो स्पेस है वो आपको देखने को मिल जाती है लेग रूम भी अच्छा खासा है नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है इनफैक्ट हेड रूम की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर बहुत अच्छा खासा लेवल का ठीक है बाकी चारों जो सारे एड्रेस्ट है वो आपको इसके अंदर एडजस्टेबल मिलेंगे ठीक है रियर की पासवल ट्रे पार्सल ट्रे नाम है भैया इसका आप क्या था रहा है यहाँ पर जो है रियर के एसी में आप देख सकते हो क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पर कर दी मारते हैं एंड ये दो आपको एक यू और एक सी टाइप एक यू एक सी टाइप जो है चारिंग सौ देखने को मिलेगा फोन वगैरह रखने लिए जगह यहाँ देखने को मिल जाती है ठीक है तो ये कुछ था रियर का काम जाम यहाँ पर हेलोजनी लाइट देखने को मिलेगी अंदर में अब चलते हैं आगे की तरफ आगे से बात करते हैं क्या क्या चीज़ें जो है ऑफर कर रही है मारुती जी चाबी ले देता हूँ धूप आगे से बात करते हैं तो हियर इज दी फ्रंट लुक ये देखो भैया कुछ इस तरीके का जो आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा सेम वही रोड इफेक्ट रेड इज ब्राउन एंड ब्लैक का ट्रीटमेंट यहाँ पर पावर जो ड्राइवर साइड को ऑटो एंड डाउन इसी के साथ आती है साउथ पावर वो इसकी रोल थोड़ी बहुत स्पेस है डोर लॉक अनलॉक करना प्लस पावर डॉ लॉक अनलॉक करना है लेफ्ट एंड राइट वाले उसके फोल्ड अनफोल्ड करने का जो बटन है वो देखने को मिल जाता है ठीक है यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट है ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पर है बॉडर वाले की प्लेसमेंट यहाँ पर है मैनुअल सीट्स मिलेगी इलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं मिलेगी ठीक है एंड अंदर से बात करते हैं अब शाह यहाँ रख देते हैं गेट लगा देते हैं सीट जो है पीछे कर लेते हैं ये देखो ये जैसे आप गाड़ी ऑन करोगे तो ये जो है अपने एस्करीज का सिस्टम आता है ठीक है इंजन सात सौ बटन की प्लेसमेंट यहाँ पर है हेडलाइट लग रहा है एच यू डी जिसकी पार्किंग कैमरा कुछ नहीं मिलेगा जटा के अंदर वो टॉप की वेरेंट के स्पेक्स है तो वो उसमें मिलेगा ऑब्वियसली बात है ठीक है सेंडर कंट्रोल से बात करते हैं यहाँ पर आमरेस देखने को मिल जाता है अच्छे अच्छी स्टिचिंग जो है यहाँ पर करी मारुति ने थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर दे दी गई है आमरेस के अंदर में ठीक है यहाँ पर दो से हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है फाइव स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स प्लस ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में ठीक है यहाँ पर ऐसा वायरलेस चार्जिंग पैड कुछ नहीं है एक ट्वेल्व 12, एक सौ बीस वोट का जो है चार्जिंग सॉकेट है यानी ट्वेल्व वोट का एक यू चार्जिंग बार्जिंग पॉकेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है यू एस बी बोर्ड एंड यहाँ पर ट्रैक्शन कलर ऑन ऑफ करना है ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है उसकी प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाती है बाकी ए जो है इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक जो है ए इसके अंदर देखने को मिल जाता है स्क्रीन की बात करी जाए तो सबसे पहले तो यार आई थिंक थोड़ा सा ए बढ़ा देना चाहिए भाई बिकॉज गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है ठीक है okay, दीदी ठीक है तो ये है इसकी नौ इंच की इन्फोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी तो स्क्रीन तो यार बार बार आपने लगातार देख इधर जो है पोशन में जाए तो यहाँ पर गाड़ी का जितना भी इकोनॉमिकल डेटा है एवरेज स्पीड क्या रही माइलेज डिस्टेंस टी वो सब यहाँ से हो जाएगा ठीक है यहाँ पर व्हीकल कंट्रोल्स हो गया एम एन लाइटिंग के जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कितनी ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है कितनी डिक्रीज़ करनी है उसके यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको बाकी हज़ार वार्निंग पार्किंग ब्रेक वगैरह सीट बेल्ट लो फ्यूल वार्निंग वो यहाँ शो हो जाती है बाकी और बात करी जाए तो ये फ्यूल इकोनॉमी हो गई एनर्जी फ्लो का जो सिस्टम है बैटरी कितनी चार्ज है मोटर कितनी चार्ज है वो आपको यहाँ पूरा शो होते रहेगा ठीक है बाकी आपका मेन काम तो अपना एंड्रोड टाइप पे काफ जैसे आपका हो ही जाएगा ठीक है पेड डिवाइसेस हो गया सेटिंग्स में जाएंगे तो बाकी जो लैंग्वेज डेट टाइम सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो आप यहाँ से कर सकते हो फैक्ट्री फैक्ट्री रिसेट वगैरह भी जो है आप यहाँ से पूरा कर सकते हो ठीक है ये डैशबोर्ड अपना व्यू एफ यूल इकोनॉमी वगैरह एवरेज फ्लो एवरेज स्पीड कितनी रही वो आपको यहाँ सारा शो होता रहेगा ठीक है ये कुछ इस तरीके का स्टेरिंग व्हील जो है ग्रैंड वटारा ऑफर कर रही है यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के कंट्रोल फ्लो उठाना डिक्लाइन करना उसकी कंट्रोल से ठीक है वॉल्यूम अप एंड डाउन करना प्लस म्यूट अनम्यूट करना उसकी कंट्रोल यहाँ देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर जो है अपने को बेसिकली यार फोकस हो जा यहाँ पर जो अपने अपने को क्रूज के जो कंट्रोल से क्रूज कंट्रोल वो यहाँ देखने को मिल जाता है जेटा में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा बिल्कुल यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल वाइपर्स के थ्रू की बात करें आई थिंक वहां पर एक अच्छा कागज तो बाहर ही तो काफी अच्छे खासे लेवल का जो थ्रो है वेंटशल बहुत अच्छे से साफ कर देगी कोई इसमें ऐसा इस इशू नहीं होने वाला काफी अच्छे खासे लेवल की जो क्लीनिंग वो मिल जाएगी देखो सारा कचरा इधर एक साइड जाएगा ठीक है बाकी यहाँ पर हेडलाइट्स एंड अपने इंडिकेटर्स के कंट्रोल जो है यहाँ देखने को मिल जाते हैं इस इवेंट्स का डिज़ाइन काफ़ी सही है ये जो ट्रीटमेंट है ओवरऑल डैशबोर्ड एरिया में वो भी देखने में काफ़ी सही लग रही है यहाँ पर जो है ग्लाव बॉक्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं ग्लाव बॉक्स कुल नहीं है नॉर्मल ग्लाव बॉक्स इसके अंदर मारुति ऑफर कर रही है ठीक है यहाँ पर जो है अपने को सन ब्लाइंड विथ वैनिटी मेरन एंड लाइट देखने को मिल रहा है काफी अच्छी बात है सन ग्लास होल्डर है यहाँ पर दो हेलोजन लाइट सेटअप है माइक्रोफोन की प्लेसमेंट है एंड यहाँ पर भी जो है सन ब्लाइंड विथ वैनिटी मेरन एंड लाइट देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिक आयर में उसके अंदर देखने को मिलेगा विद डे नाइट इफेक्ट ये सिस्टम इधर के कंट्रोल ने ए सीवेंट्स में आपको दिखाई दिया है ये एम आई डी है एम आई डी इसके अंदर डिजिटली ऐसी ही मिलेगी नॉर्मल अगर फ्यूल वाला लेते हुए एरियन ठीक है तो ये इधर बात करें उसके कंट्रोल यहाँ मोशन फ्रंट जो मारुति इति वो मिल जाता है टॉर्क एंड पावर उसकी कंट्रोल यहाँ देखने को मिल जाते हैं एक्सेशन एंड ब्रेक ठीक है एनर्जी टू मोटर चार्ज है उसकी इन्फॉर्मेशन प्लस गाड़ी का जो ट्रिप मीटर है उसके यहाँ पर बटन देखने को मिल जाते है ट्रिप मीटर ए ट्रिप मीटर बी दो ट्रिप मीटर देखने को मिल जाते हैं तो इकोनॉमिकल लीडर शो हो जाएगा यहाँ पर आरपीएम मीटर है या स्पीडो मीटर दो सौ बीस तक की टॉप मार्किंग इंजन हीट टेम्परेचर मीटर फ्यूल गेज मीटर यहाँ देखने को मिल जाता है तो भैया ऐसा है कि ये था टू हंड ट्वेंटी थ्री मार्टोज ग्रैंड मेटारा ब्लैक कलर प्लस जेटा मैनुअल मेनवर इंडप डिटेल रिव्यू होप कर तो आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मनी मोटर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो गाड़ी चेकआउट कर सकते हो आप जाकर ठीक है मिलता आप आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग का ब्लॉग है बाइक के साथ इल दन पीस आउट एंड डू ड्राइव सेफ थैंक्स फॉर वॉचिंग